कभी नहीं करता। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ओम प्रकाश सोनी के घर के बाहर, अमृतसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनके घर के बाहर जश्न है। ओम प्रकाश सोनी जो कि आखिरी वक्त में चेहरे के तौर पर सामने आए और उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। गगनदीप हमारे सहयोगी आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखाई भी दे रहे हैं, उनके घर पर मौजूद है। गगनदीप, जश्न जैसा माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है उनके घर पर? सोनी उन्होंने बताया कि वो खुद एक हल्के में कार्यक्रम में गए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और वहां पे उन्हें फोन आया। उन्हें फोन पर पता चला कि और आप देख सकते हैं कार्यालय में दफ्तर में उनके समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं। उनके सुपुत्र जहां पे विकास सोनी जहां पे मीडिया से लगातार बात कर रहे हैं और मीडिया कर्मी भी आप देख सकते हैं जहां पे उसी समय पहुंचे और जो विकास सोनी का जो उनके सुपुत्र हैं समर्थक यहां पे उनका मुंह मीठा करवा रहे हैं लगातार, जो उनके जहां पे खुशी प्रकटा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें ओपी सोनी ने 5 बार विधायक रहे, उन्होंने कोविड के समय में बहुत काम किया था और कोविड के समय में काम करते हुए उन्होंने जो भी जिम्मेवारी मिली थी। तो उनके सुपुत्र से भी हम बात करेंगे, विकास कुछ बात कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें ओम प्रकाश सोनी के घर की हैं। तो जश्न जैसा माहौल है ओम प्रकाश सोनी के घर के बाहर क्योंकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने भी शपथ ली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब वो शपथ ले रहे थे। इसके अलावा दो और चेहरे जो बहुत महत्वपूर्ण हो गए आज, एक तो मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी ने आज शपथ ले ली और साथ ही दो डिप्टी सीएम भी आज पंजाब को मिल गए, एक ओम प्रकाश सोनी और दूसरे सुखजिंदर रंधावा। तो दो उप मुख्यमंत्री पंजाब को मिले हैं और ये तस्वीरों में आपको ओम प्रकाश सोनी दिखाई दे रहे हैं जिस वक्त वो शपथ ले रहे थे और उन्हीं के घर से जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं जहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तस्वीरें आप तक हम सीधे पहुंचाते हैं उनके घर से, हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद। मैं समझता हूं कि जो पार्टी हाईकमांड ने उन पर फेथ करके आज डिप्टी सीएम बनाया, वो जो उनका भरोसा है वो पूरा करके देंगे और 2022 में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करके देंगे। नहीं, भी पहले एक काउंसलर से उन्होंने शुरू किया था, सोनी साहब ने भी अमृतसर के मेयर भी रहे, जहां तक का सफर को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी को मैसेज देना चाह रही है कि वर्कर भी जो सीएम डिप्टी सीएम, कोई भी लीडर है नीचे से जो ऊपर ग्रास रूट लेवल का लीडर होता है उसको ग्रास रूट लेवल में पता होता है कि लोगों के दुख तकलीफ क्या है, काम कैसे करना है, डेवलपमेंट। और चन्नी जी भी काउंसलर बने थे, सोनी साहब भी काउंसलर से बने और रंधावा जी भी ऐसे ही हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी जो है उन्होंने भी बड़ी नीचे से शुरू करी थी, वो भी सीएम 2 बारी बने। कोई भी लीडर आज तक पंजाब में देखो, कोई भी पार्टी का बनाओ, जो नीचे से जुड़ के बना उसने पंजाब की सेवा करी। भाई में कांग्रेस की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी जी, 100% बनेगी। सीधी तस्वीरें ओम प्रकाश सोनी की, उनके पुत्र का मुंह मीठा जो करवा रहे हैं, खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे प्रतिमा, इनका कहना है कि हमें जब जानकारी मिली तो उस समय जो जानकारी जिस समय इन्होंने इन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने जहाँ पे वो सीधा अपने घर पे आए। तो ये सीधी तस्वीरें ओम प्रकाश सोनी के घर की हैं जहाँ पे कांग्रेसी वर्कर लगातार पहुँच रहे हैं। गगनदीप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और विकास सोनी जो कि ओम प्रकाश सोनी के बेटे हैं वो बात करते हुए कह रहे हैं कि पूरा यकीन है उन्हें कि अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस की जीत होगी। तो इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगहों से पंजाब में देखने को मिल रही है और जहां तक खबर है कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर वो अभी भी अपने फार्म हाउस पर ही मौजूद है, ये भी बड़ी खबर मिल रही है। लेकिन दोपहर 12:30 बजे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अपडेट्स के साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जो कि लगातार इस पूरे मामले पर भी नजर बनाए हुए हैं। जगविंदर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो तिरपाल डाल दिया गया है क्या उससे आने वाले तूफान को रोक लिया जाएगा? अगले साल चुनाव होने हैं, चेहरे बदल दिए गए हैं, लेकिन क्या इससे आगे की राह आसान होगी? देखिए, मेला अब खत्म हुआ, अब जवाबदेही का वक्त आ गया है। सीधा सीधा ये इस टाइम 5 महीनों की इस नए मुख्यमंत्री और नई कैबिनेट को ये सीधा संकेत है कि अब जो कुछ आपका होना था वो तो हो गया, अब ये बताइए पंजाब का क्या होगा। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चन्नी को सबसे पहले ये सब स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिरकार वो 18 सूत्री कार्यक्रम जिसको लेके कैप्टन के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ा जाता था वो कब तक पूरा होगा। नवजोत सिंह सिद्धू जाहिर सी बात है कि चन्नी के साथ रहेंगे और ये भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है अब कांग्रेस पार्टी को कि ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर कैप्टन को हटाया, उनको
कितने टाइम में पूरा किया जाएगा, टाइम बाउंड काम देना पड़ेगा इनको, वर्क फ्रेम करना पड़ेगा कि ये काम है इतने टाइम में होंगे। क्योंकि एक बात ये सही है कि आपने दलित मुख्यमंत्री लगा दिया, लेकिन अब उस मुख्यमंत्री को सक्सेसफुल बनाना उसकी टीम का, उसकी पार्टी का काम है। और क्या जो जनता चाहती है वो चरणजीत सिंह चन्नी डिलीवर कर पाएंगे? क्या जो अंदरूनी गुटबाजी है उससे निकल कर आप सिर्फ जनता के कामों को तरजीह दे पाएंगे? क्या पंजाब के खाली खजाने को भर पाएंगे? क्या बिजली सस्ती कर पाएंगे? क्या बेअदबी के मामलों में जो मामले अटके हुए हैं, SIT जांचें अटकी हुई हैं या कोई हाईकोर्ट के फैसले आ चुके हैं, क्या उन चीज़ों को आगे आप बढ़ा पाएंगे? देखिए, अगर ये सब चरणजीत चन्नी नहीं कर पाए तो जिस तरह से होता है ना कि हवा निकल जाएगी पूरे मामले की, और अगर हवा निकली तो समझिए कि कांग्रेस की जनता हवा निकाल देगी। सो अगले चुनाव को जाने के लिए उनके पास ये आखिरी 5 महीने हैं, क्योंकि जो एक बड़ा फेरबदल हो सकता था वो भी कर दिया। अब इससे बड़ा विकल्प और कोई नहीं होता कि सब नए चेहरे दे दिए, अब आप काम कीजिए। और दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बेशक आज सबको लग रहा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो अपने मन की वो करवा लिया, लेकिन अगले 5 महीने सबसे बड़ा इम्तिहान नवजोत सिंह सिद्धू का ही है। क्यों, कैसे वो पार्टी के लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे? क्यों वो अब तक जो डिलीवर नहीं हुआ उसे कैसे पूरा करवाएंगे? तीसरी बात ये रहेगी कि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में जो भविष्यवाणी मैं कहूँगा जो कर दी है हरीश रावत ने, और उसको लेकर उन्होंने नई गुटबाजी को जो जन्म दे दिया है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू हरीश रावत के बयान के पक्ष में हाईकमान से कोई नया बयान दिलवाएंगे, या फिर इसी बयान के साथ आगे बढ़ेंगे और अंदर की अंदरूनी लड़ाई को झेलते हुए पंजाब को जीत के रास्ते पर लेके जाएंगे? नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर चरणजीत सिंह चन्नी से भी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि डिलीवर अब चन्नी को जरूर करना है, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू की है। बिल्कुल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी ऐसे में नजर रहने वाली है जो दोपहर 12:30 बजे होनी है, कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने क्या कहते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ABP News आपको रखे आगे।